ज्ञानवापी मामले में सर्वे की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यूपी तक के पास है। इस 12 पन्ने की रिपोर्ट का पेज नंबर 7 और 8 सबसे अहम है, जो कथित शिवलिंग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी हो सकता है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर लिखा है कि पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी लंबाई 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। इसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति नापी गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष के वकील इस गोलाकार काले पत्थर को शिव जी का शिवलिंग कहने लगे। तब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि ये फव्वारा है। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई है। वैसे पहले से ही मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस शिवलिंग नुमा आकृति में छेद को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं और ये भी कहा जा चुका है कि शिवलिंग में छेद नहीं होता। मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अंसारी ने भी यही कहा था जब 2 दिन पहले यूपी तक ने उनसे इस पर बात की थी। उन्होंने इस छेद को ही फव्वारे का पाइप बताया था। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता, उसके ऊपर निशान भी पांच खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज़ रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा, और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है 1/2 इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे वो कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। तो कुछ जाम, ये फव्वारा काम कर रहा है? नहीं, अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फव्वारे के ऊपर का हिस्सा टूट चुका था, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपका मानना है कि फव्वारा है? 100% मेरा ये है, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि फव्वारा है ये, और ये पहले चलता भी था, हम लोग बचपन में जाते तो फव्वारा चलता। तो सवाल उठता है कि क्या ये फव्वारा ही है जिसका दावा सर्वे के दौरान भी मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया। इस पर वहां सर्वे में कुछ और तफ्तीश की गई, जो इसी पेज पर आगे लिखी गई है। कमिश्नर ने मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछताछ की कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है, और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहे कि 12 वर्ष से बंद है। कमिश्नर ने कहा कि मुंशी जी फव्वारा चालू करके दिखाइए। जब मुंशी एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर की। इसी पेज के एंड में जब आप जाएंगे तो वहां लिखा है कि इसके टॉप पर लगभग 9x9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ था, जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी था। वही हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये शिवलिंग ही है। शिवलिंग और फव्वारे में अंतर होता है। वीडियो वायरल हो रहा है, किसी ने गौर से नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। उसमें जो वीडियो में दिख रहा है कि जो शिवलिंग है उसमें सर्प की आकृति मुझे दिखाई दे रही है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे की नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो देखा कि उसमें जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें नांग, क्योंकि हमारे शिवलिंग में एक तो हम लोग शिवलिंग में नांग ऐसा लगाते हैं बाहर से, और एक नांग नीचे अर्घा में रहता है, किसी किसी शिवलिंग में, किसी में पीछे से भी रहता है। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है उसमें नांग मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई वीडियो यदि गौर से देखेगा, मंदिर प्रांगण में पहले गोयनका भवन होता था, उसमें तीसरे तल्ले पे मेरे पिताजी की नौकरी थी, रूम मिला था, रहते थे हम लोग। 1996 से मैं देख रहा हूँ, मेरा 30 साल है लगभग, आज तक अभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा जो वो मस्जिद प्रांगण में। फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ। जो शिवलिंग है शिवलिंग पूरा आकार दिख रहा है, जो ऊपर ये दिखाई जा रही है पट्टी, जो उसमें 3 इंच जाल दिखा गया है लकड़ी, जिसे लग रहा है नया नया कोई बनाया गया है। आज तक मैं समझ में नहीं आ रहा कि शिवलिंग के ऊपर ये फाउंटेन कहाँ से आ गया। अगर फाउंटेन होता उसको कोई जरिया होता निकलने का पानी, 28 साल मेरा लगभग हो रहा है उम्र, उसमें आज तक मैंने देखा नहीं फव्वारा कभी निकला हो जो लोग बताया जा रहा है फव्वारा निकल रहा है। हम लोगों ने अपनी पुरानी नॉलेज को, साइंस को, हेरिटेज, चाहे वैदिक हो चाहे इस्लामिक हो, सबको भूल गए हैं हम लोग कि थी ही नहीं कभी, और मान लिया है जो अंग्रेज ने बताया सिर्फ वही फैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में थे, वैदिक डेवलपमेंट भी बहुत थे, इस्लामिक भी बहुत थे, और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स और साइंस में इस्लामिक वर्ल्ड बहुत आगे एक्सेल कर रहा था। तो उस समय की एविडेंस आज भी आप देखिए
कि वाटर वर्न मेन इशू जिसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना लॉन्ग डिस्टेंसेस के, तो दिल्ली में भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, सतपुला की मिल जाएंगे, हौस खास की मिल जाएंगे, या औरंगाबाद के पास जब आप पानी की चक्की की बात करते हैं तो उसमें वही है कि उस वक्त अगर मोटर इलेक्ट्रिक आपके पास नहीं थी लेकिन ग्रेविटी को यूज़ करते हुए, वेंचुरीज एक्शन को यूज़ करते हुए या मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, राहट का सिस्टम बनाते हुए पानी को ट्रांसपोर्ट होता रहा है हमेशा। तमाम विवादों के बीच गौर करने वाली बात यह है कि सर्वे रिपोर्ट में ना तो इस आकृति को शिवलिंग के तौर पर कहा गया, ना ही फव्वारे के तौर पर। खैर, अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या होता है उसके लिए करना होगा कोर्ट के फैसले का इंतजार। वाराणसी से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।